मजार को सजदा हराम है, मजारों पर सजदा करना कब्रों के सामने हराम है, समझ आई? गैरुल्लाह के सामने सजदा करना हराम है, सजदा ताजीमी भी हराम है, मजारों का तवाफ करना भी हराम है, चूमना मौलाना अहमद रजा साहब के फतवा के मुताबिक नाजायज है। बहरहाल पीर मेहर अली शाह साहब ने भी मना किया है, मैं आपको किताब का हवाला दे सकता हूं। उन्होंने कहा है कि खवास को भी मैं मना करता हूं कोई न चूमे, क्योंकि अवाम देखकर फिर सजदा शुरू कर देते हैं, ये एहतियात है। लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब ये नहीं है कि अगर कोई बोसा दे दे तो उसको काफिर समझते थे, ये भी गल ही ना, जरा हम बोसा चाह दे जनाब वो काफिर हो गया, ये गल ही गलत है। तो असाने जिस तरह मजारा से लोग ठही पे होने जनाब उत्ते सिर सट्टे होने ने, उठने ने मथे रगड़ने ने, है जी, तो यह भी अल्लाह ना वास्ता ने, यह भी मन है, यह भी गलत है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दस देलवी आख्या, शाह अब्दुल हक मुहद्दस देलवी इतना बड़ा शेख हर बंदा उसू मन है, उस आख्या मसनून एवे के हजूर दे अपने उसके सामने खलो के फातिहा पढ़ो, हाथ भी ना लाओ, मैं इबारत देना शेख जी, हाथ भी ना लाओ और खल के मुंह दे पासे फातिहा पढ़ के चुप करके चले जाओ, ये तरीका है। और यही अहमद रजा मौलाना अहमद रजा साहब भी लिखे है। लेकिन हुण जनाब कब्रा ते टह टह के हुण उत्ते वटे होने, नहीं तो तले जेडे मईतां ना हाल होया उन्हें असा पता है, जो जिस तरह जो तमाशा करने उत्थे बुजुर्गां दीआं मजारां ते इस तरह भी बेअदबियां ना करिया करो, चमक चमक के उत्ते टहने ते उन्होंने तालीमात ते एक बंदा भी अमल नहीं करना है जी, ते इस किस्म ने मुशरकाना अकायद ना रखो, ते इस ए बड़ा बेदार जेन दौर है, इस विच हर बंदा समझदा है, ए साहबजादियां ते पीरां नूं खुद तबलीग करनी चाहिए, अपने मुरीदां दसना चाहिए। अजकल दरबारां दे विच जिहड़े खतीब हन ओह खुशामदी अक्सर ओ कासा लेसी करके पीरां नूं खुश कर देन, इन्हां चीजां दा हुक्म देन, जे तुसीं इंज करिया करो ते इंज करिया करो, ये भी जायज है ते ये भी जायज है। मोहतात लोगों का तरीका यही है जो मैं पेश कर रहा हूं।